हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीजित ऑफिशियल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस जो है वो वर्ल्ड की मैक्सिमम जगह में फैल चुका है एंड हमारे इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस की वजह से अफेक्टेड हैं एंड इन दिनों देश में लॉकडाउन चल रही है। लॉकडाउन में जो लोग सड़क में अपना दिन गुजारते हैं, जो लोग छोटी मोटी दुकान चला कर सड़क पर अपना रोजी रोटी करते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसलिए हमारे सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ रेहड़ी पटेरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को मिलेगा। अब हम जानते हैं कि इस स्कीम की कुछ और डिटेल्स। अंडर दिस स्कीम स्मॉल लोन्स विल बी प्रोवाइडेड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी लोअर। जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो बहुत ही कम होंगी एंड इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये तक लोन मिल सकता है एंड इस राशि को रेहड़ी पटेरी वाले जो हैं वो एक साल के भीतर किस्ती में लौटा सकते हैं। एंड इस स्कीम में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स लाभ उठा सकते हैं। देन हम देखते हैं कि कौन लोग हैं जो कि ये स्कीम अप्लाई कर सकते हैं। सो जो लोग फल या फिर सब्जी बेचते हैं, जिनकी पान की दुकान है, लॉन्ड्री है, रेहड़ी लगाने वाले, सभी स्ट्रीट वेंडर्स एंड इसमें सभी लोग शामिल हैं जो वस्तुओं या फिर सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही इसमें शामिल है। तो दोस्तों, इसका जो लोन अमाउंट है वो 10,000 रुपये है। 10,000 तक आपको लोन दी जाएगी एंड इस स्कीम में जो टोटल बजट है वो है 5,000 करोर एंड इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इस स्कीम का कुछ बेहतरीन बातें, कुछ खास बातें। ये जो योजना है इसके लिए आपको कोई भी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर ही इसकी आवेदन प्रक्रिया की जाएगी एंड पहली बार लोन जो टाइम पर चुकाते हैं उसको उन लोगों को दूसरी बार जो है ज़्यादा लोन दी जाएगी, वो ज़्यादा बेनिफिट पाएंगे। और जो लोग समय से पहले ही कर्ज चुकाते हैं उन लोगों को 7% सब्सिडी दिया जाएगा। 7% आपको सब्सिडी दिया जाएगा जो कि 6 महीने के बाद ही आपको मिलेगा। एंड जो लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं उन लोगों को कैश बैक का भी सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस लोन को हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट आप वो ऑफिशियल पोर्टल में जाए या फिर आपको आप ही मिल जाएगा जो कि जल्द ही रिलीज होगा। वहाँ पे जाके आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप कंप्लीट फॉर्म भरें। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उस सारी डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे। देन आप सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। देन यू विल गेट द 10,000 लोन यू अप्लाइड फॉर। जो भी आप अप्लाई किए हैं जिस लोन को, आप उसका लाभ उठा सकते हैं, आपको लोन मिल सकती है। दोस्तों, ये जो स्टेप्स थी अप्लाई करने की ये अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। आफ्टर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही ये सारे स्टेप्स एक्टिव होंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस जो स्कीम का लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या क्या लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस इस पीएम स्वनिधि स्कीम में हैं। सो दे आर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनवीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक्स। ये सारे ही लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। दिस
पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर। एंड दोस्तों, ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, ये आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए जो लोग ये स्कीम को अप्लाई कर पाएंगे, उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दीजिए। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। Como se llama